हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम, और दोबारा से हम आ चुके हैं अपने नए व्लॉग में। सुबह का आगाज़ करते हैं, तो देख सकते हैं आप क्या अभी सुबह हो गई है, सूरज कितना प्यारा निकल आया, हल्की हल्की सी धुंध भी है, मतलब फॉग, अम्मे तो कह रहे हैं फॉग है ये, लेकिन हम तो धुंध ही समझेंगे। आटा गुन गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, सुबह बखैर। सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। बहुत खूबसूरत सुबह है आज की, क्योंकि बहुत सूरज माशाल्लाह से अब निकल रहा है, बल्कि निकल चुका है, क्योंकि स्मोक है ना, स्मोक की वजह से ये कम ही नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सुबह है। परिंदे अपने अपने खुराक दाने पाने के लिए निकल चुके हैं, चेंचला है हर तरफ परिंदों की। ज़्यादातर तो कौआ है जो कह कह कर रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है आज का, सुबह का। इंशाल्लाह दिन भी अच्छा गुजरेगा और आप सब लोगों का दिन अच्छा गुजरे। तो मैं अब नाश्ता बना लूँ, अपने अपने कामों पे मैं जल्दी से बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर लूँ। और माशाल्लाह सुबह का पराठा पहला स्टार्ट हो चुका है बनना, वो भी अम्मी के हाथों का। वालेकुम अस्सलाम। समीर उठ के आ गया, उसके लिए कोई ट्राउजर शर्ट निकालना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। समीर वगैरह आ चुके हैं इस टाइम, देख सकते हैं सूरज और ऊपर आ गया। माशाल्लाह सुबह का पहला पराठा तवे पे भी आ गया। आज हल्की रखनी है। दूसरे पराठे की तैयारी में और पहला पराठा बनते हुए। मीर भाई अपना कल वाला पुराना व्लॉग देख रहे हैं, इसको रोज़ कल स्टार्ट किया था। आज हम थे ना, और इतनी सुहानी सुबह थी और काफ़ी परिंदे चहचहारे थे, हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, व्लॉग की आगाज़ यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें अपने छत पे गांव वाली फीलिंग आती है कि गाड़ियों वगैरह का शोर नहीं आता, यहाँ पे कैंट एरिया है, तो परिंदे और ये वाला जो है ना बहुत मज़े की आवाज़ देते हैं, मुर्गा भी हमारे बोलता है इधर। सुबह सवेरे सवेरे इतना घी तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो पराठा ही खाते हैं, तो थोड़ा सा कम मिकदार में घी लगा के तो उनका पराठा बना देती हूँ। जी आज हमारे समीर का दूसरा दिन है जॉब का, तो दुआ करें वो कामयाब हो। समीर भाई कल गए हुए थे जॉब पे हमारे,
रोटी है और दूसरा पराठा तवे पे आ चुका है। समीर भाई ने पूरा ब्लॉग देख लिया, समीर भाई भी आ चुके हैं इस टाइम और समीर भाई आज फिर काम पे जाएंगे, दूसरा दिन है उनका आगाज है। सारे बारी बारे आ रहे हैं, सईद भी आ चुका है, चेक करें। रात को बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, इसलिए थक जाते हैं। अभी मुंह दे गए ना समीर भाई, सुबह सुहानी सुबह देख रहे हैं दोनों, सूरज पे नजर है इनकी। समीर जो है वो 8 बजे जाएगा, समीर भाई 12 बजे के करीब जाएंगे, सईद है वो 8:30 जाएगा और मैं हूँ, मैं 9 बजे जाऊँगा, असद है वो 10 बजे जाएगा, वो भी सॉरी 8 बजे जाएगा। असद की ड्यूटी का कोई ऐसा नहीं होता, वो जब कहते हैं असद माशाल्लाह जो है वो उनके मुताबिक चलता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने आज ये करना है तो चला जाता है। अपने जॉब की फिक्र होती है कि मेरी जॉब ना खराब हो जाए। रोशे भी उठ के आ गई अब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खुश रहे होंगे। और आज का मेनू है जी आलू चिकन और आलू, जिसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। तीन अदरक प्याज डाले थे, 2 से 3 चम्मच लहसुन का डाला है, 1-2 चम्मच मैंने अदरक के डाले हैं तो, और 4 अदरक टमाटर डाल के फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था क्योंकि मैं तो मसाला ग्राइंड ही करती हूँ। अब जैसे ये सही अच्छे से भून जाएगा तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी, बाद में मसाला डालूँगी। हाँ तो जी, अब हमारा मसाला कुछ तैयार होने को आए हैं तो इनसे मिलिए, मेरे चाचू जान आए हुए हैं बहुत प्यारे, जो मुझे बहुत ही प्यारे हैं, गांव से आए हुए हैं तो आज इनकी स्पेशल दावत है। 2 मेहमान और भी हैं लेकिन वो भाग छाग रहे हैं, उनसे भी कभी मुलाकात करवाएंगे आप। तो अब हम इसको चिकन को भूनेंगे, इसमें थोड़ा सा मसाला रेडी हो रहा है, घी निकलने को आया है। तो इसमें आप डालेंगे चिकन, चिकन जो है अरूज ने अच्छे से धो लिया था, 10 मिनट अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने 1 इलायची और 2-3 टुकड़े दालचीनी के भी डाल दिए थे, से अच्छी खुशबू आ जाती है। हाँ जी, तो अब हमारा जो चिकन है इसका से कच्चापन दूर हो गया हो, अब इसमें डालूंगी मसाले, हस्बैंड वाइफ का जो जितने के जरूरत होंगे। अब
मसाले डालती हूँ, इसमें दो चम्मच डेढ़ चम्मच नमक भी डाल रही हूँ, उसमें जायका जितना कम देखो मुझे ज़रूरत है। लाल मिर्च हल्दी धनिया को आपको पता मैं बीच में ऐड कर देती हूँ, इसको सब मसाले को उसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मिर्चें मिर्च मसाला जाए ना। अब इसको अच्छे से भून लूँगी खूब अच्छे से ताकि चिकन का कच्चापन भी इसमें से ख़त्म हो जाए, खाने में ये टेस्टी रहे। हाँ मसाला मैं कोई नहीं इसमें डाल रही, डालते कम ही डालते हम जो ये मसाले होते हैं घर के मसाले हम जो है ना डालते हैं। तो अब आप हांडी मेरी जो है वो चिकन भून चुका है, देखें अच्छा कलर आया है इसका और अच्छे से भून गया है, खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये जामुन, तो ये आज हमारा मेहमान है छोटे वाला स्मॉल मेहमान। अब इसको आलू को अच्छे से भून लेंगे क्योंकि आलू पे इसलिए डाला है कि बच्चों ने कहा था आलू चिकन और यखनी वाला पुलाव, यखनी जो है हमारी इधर तैयार हो रही है और बहुत मज़े की है। इसका चावल बनाएंगे, इसको अच्छे से भून के 10 से 15 मिनट भूनेंगे क्योंकि बस इतना ही भूनना है, बाकी चिकन के साथ तो अच्छे से भून ही है। तो अब हमारे ब्लॉग में आप लोग को एक हम ना बड़े ही खूबसूरत शख्स से मिलाएंगे, टिकटॉकर जफर खान। अस्सलाम, क्या तैयार हो रहा है? आलू और चिकन बना रहे हैं आज और साथ हम इंशाल्लाह आपको खाने में भी पसंद आएगा और साथ में यखनी वाला पुलाव जो ज़्यादा कोशिश है कि तुम्हारी आपकी बेगम ही बनाए। चले कोई बात नहीं, बना के बेगम जाते आप इसमें लगाते हैं अब तक भी ज़रूरत पानी जितना है तो आपको चाहिए, जितना आपका मटेरियल होगा उतना ही आप पानी लगाओगे। चलो खुदा हाफ़िज़। सही है, देख लो। चिकन का फाइनल टच आ गया है, इसमें हम थोड़ा सा ड्राई मेथी डालूंगी, ये लो आप इस्तेमाल करना है, ये देना मिर्चें और धनिया। यार मम्मा क्या ये काम वाली रखी हुई है, हमारा टाइम ही नहीं, हमारे पास इन लोगों ने अभी तक धनिया ही नहीं सही काटा। दो चलो हरी मिर्ची डाल देना, नहीं बता तुम काम वाली हो, तुम्हें नहीं पता ही नहीं ये काम वाली। मैडम जी फिर आज मेहरबानी को खाई घर तो बैठी है, इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें, तो ये अब हमारी हांडी का फाइनल लुक। ये प्याज ब्राउन कर दी है, अभी कितने देर है प्याज ब्राउन होने में? 5 मिनट। 5 मिनट आपी ने अब लहसुन अदरक ऐड कर दिया है और 4 प्याज और 4 टमाटर, अब अच्छे से इनको भून रही हैं।
दो चम्मच तीन दो और एक आधी चम्मच नमक तीन चम्मच डाल दें। सूप डाल गया अंदर, ये दूसरा डाल दें। ये मसाला चावल हम ऐड कर रहे हैं। चावल वगैरह इसमें ऐड हो गए। अब चावल जो सुल्तानी बिल्कुल सफेद पानी का जाएगा। लड़ाई हो रही है यहाँ पर। ये हम नीचे नहीं डालेंगे, इसके नीचे रह चले ना, इसमें नीचे घी चलिए। तो अब ये जब दम की सूरत में आ जाएगा फिर वहाँ से स्टार्ट करें। ये कुछ दम की सूरत में आ चुके हैं। अब आप ही इनमें सब, अब आप ही इसमें वो धनिया मिर्ची अभी ऐड करनी है ना। धनिया मिर्ची ऐड करेंगे और फिर हम इनको दम लगा देंगे। अब हम इसमें धनिया मिर्ची ऐड करने लगे हैं। तो अब हम चावलों का दम अभी ये निकालेंगे। ये मम्मा ने अपने लिए कुछ अलहदा बनाया सालन। चावलों का दम हमने खोल लिया है। अब बहुत मजे के बने हैं। भी मैच खेल के आ गया। बुशरी ने चावल अच्छे बनाए हैं और सना ने। तो आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजतों में रखे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।